हाय, गुड मॉर्निंग, दिस इज ज्ञानेश्वरन। वेलकम बैक टू सूर्य आचार्य अकेडमी। मैं आज आपके लिए क्या लाया हूँ एक बार देखिए। और ये है जगुआर वन क्रॉसबो, और इसी का आज अनबॉक्सिंग वीडियो करने वाला हूँ। वीडियो देखने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपना नया क्रॉसबो का अनबॉक्सिंग वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है जगुआर क्रॉसबो, जगुआर बोलते हैं इसे, और ये है 220 फीट पर सेकंड और 175 LBS पाउंड का वेट। और यहाँ पे आप छोटा सा देख सकते हो, वेट तो 27 इंच का है, पावर स्ट्रोक 10 इंच का है, और मास वेट 5.7, मतलब लगभग 3 केजेस तक आ सकता है। तो मेरा पुराना क्रॉसबो आप ये देख सकते हो, मेरा पुराना क्रॉसबो है, तो मैं इसी पे शूट कर रहा था। ये कंपाउंड टाइप का क्रॉसबो है, और ये जो मैं लाया नया वो ये रिकर्व टाइप का है। और देखते हैं, इसका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। 1 ईयर हो गया इससे शूट कर रहा हूँ मैं, और इसका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। और रिसेंटली मैंने ये ख़रीदा हूँ, और आप इसका भी आज अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हो। तो ओपन करते हैं अपन यहाँ से बॉक्स, और देखते हैं क्रॉसबो कैसा है। आप यहाँ पे लोगो भी देख सकते हैं, EK आर्चरी, क्या है ये, आर्चरी रिसर्च। मैं कोई कंपनी का नाम सोच रहा था, रिसर्च बोल के आया। ऐसा लगा मेरा मजाक। और यहाँ पे देखते हो अपन, दो मैनुअल है, रिकर्व क्रॉसबो इंस्टॉलेशन मैनुअल, तो पहला। और ये क्या है, या वी गॉट रोप कॉकिंग डिवाइस। हमारे पास ऑलरेडी एक पुराना है, और ये नया रोप कॉकिंग डिवाइस आ चुका है। और एस फुट पाव, और चलो मेन है ये निकाल लेते, नीचे गिर जाएगा। सब रात पे है। अच्छा, कोई मुझे बोल रहे थे YouTube पे कि ये बबल्स का पैकिंग नहीं आ रहा है, पूरा बंद हो चुका है। किसको पसंद है इसे पॉप करना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और लाइक नाइस एंड क्लीन देख सकते हो आप, और वाओ इट इज़ मेटल। हाँ, मेरा पुराना क्रॉसबो का तो मेटल नहीं है, वो प्लास्टिक से बना हुआ है। ग्रेट, उससे भी बहुत कम कॉस्ट का है ये क्रॉसबो, फिर भी मेटल से बना हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ब्रांडिंग है, और मॉडल नंबर भी है यहाँ इस पर, EK आर्चरी रिसर्च, इसका ब्रांडिंग का भी नाम है यहाँ पे जगुआर, आप देख सकते हो कम्प्लीटली। तो ट्रिगर भी बहुत अच्छा है, मेटल का है यार। और मेरा पुराना क्रॉसबो में तो ये था, प्लास्टिक का ट्रिगर था। ठीक है, चलो और देखते क्या क्या आ चुका है। और यस, इस साल से बहुत दो सेट्स आए हैं। एक है 40 LBS का लिम, और एक है यहाँ पे देख सकते हो आप 175 LBS का एक लिम है, और एक एक्स्ट्रा लिम भी आ चुका है अपन को 40 LBS का। तो ये बढ़िया रहेगा जब छोटे बच्चे के लिए, प्रैक्टिस के लिए बड़ा रहेगा, आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक बिलो 10 ईयर्स वाले ये यूज़ कर सकते हैं, और हमारे जैसे लोग, मतलब आप और हमारे जैसे लोग, ये 170 पाउंड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और क्या आ चुका है देखते हैं अपन। यस, 3 बोल्ट्स, इसको देखते हैं क्या है। यस, EK आर्चरी रिसर्च, इस पर भी वही नाम है, सेम ब्रांड का है। और बॉक्स के साथ अपन को 3 एरोस आ चुके हैं, देखते हैं और क्या है। देख सकते हो राइट, एक मेन स्ट्रिंग है, आप देखिए यहाँ पे मेन स्ट्रिंग, इसे थोड़ा क्लोज एंगल ले लेना। और एक है, ये स्ट्रिंग चढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ये मेन स्ट्रिंग से भी थोड़ा लंबा होता है, एक्चुअली मेन स्ट्रिंग से भी थोड़ा लंबा होता है। लिम पॉकेट्स है इसमें, आप देख सकते हो वहाँ पे लिम पॉकेट्स, और नाइस। और ये क्या है, वाओ स्क्रूज, जो लिम्स को रखने के लिए स्क्रूज है। चलो ये फिक्सिंग का भी अभी आपको बता दूंगा आज। साइट है ये, मैनुअल साइट, आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये विंडेज का साइट है, पीछे लगाते हैं, ओपन करेंगे, ये तो सील है, ओपन कर लेते हैं बाद में। और हमको और क्या आ चुका है, 6 नॉक्स, एक्स्ट्रा नॉक्स आ चुके हैं यहाँ पे देख सकते हो। और क्या है, यस वन मोर इज रेल लूप, और स्ट्रिंग वैक्सिंग भी बोल सकते हैं, और रेल लूप भी बोल सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो रेल लूप।
यस चलिए यहाँ पे सजा के रखा हूँ, एक बार आप पूरे देख लीजिए क्या क्या क्रॉसबो अनबॉक्सिंग में आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए दो लिम्स और राइजर, मेन राइजर और थ्री एरोस, फुट पैड और डीकॉकिंग रोप, सॉरी कॉकिंग रोप और स्ट्रिंग्स। यहाँ पे देखिए तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो इसी के लिए अपन को ये चाहिए। अब देखो ये अलग से साथ नहीं आया पता नहीं क्यों, और भी अपने साथ है और कटा भी है, तो कटा जरूरी नहीं है। सब बन चुका है और आपके लिए एक शॉर्ट मार के भी मैं बताऊंगा। अब देखिए बस रोप कॉकिंग डिवाइस से कैसे कॉक करना सिंपल है, जैसे मैंने ओल्ड वीडियो में बताया था कंपाउंड क्रॉसबो पे कैसे शूट किया था वैसे ही है। आप ये दो पिन देख सकते हो और यहाँ पे से लगाना है, एक बार क्लोज एंगल देख लेना और यहाँ से स्ट्रिंग लगा के ये नीचे ले लेना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लेके और ये कम्प्लीटली फुल कर लेना। क्लिक बोल के एक साउंड आया ना, वो उसका मतलब है आपका स्ट्रिंग लोड हो चुका है, मतलब कॉक हो चुका है। और जैसे भी एरो है सामने से नहीं लेते हैं अपन, ये पीछे से ले लेना है इसे, और ये जो है इंडक्शन फेदर जो अपन बोलते हैं ये नीचे ले लेना, ठीक है ना, ऐसे लेके कम्प्लीटली इसको पुश कर लेना। आप देख सकते हो यहाँ पे और लोड हो चुका है ये कम्प्लीटली। और कभी भी फिंगर ऊपर नहीं रखना जब शूट करते, तो यहीं पे पकड़ना, ठीक है ना। तो और उसके बाद में ऐसे पकड़ के यहाँ पे ट्रिगर होता है, सेफ्टी मेजरिंग है, ये सामने कर लेना, सेफ्टी ऑन कर लेके उसके बाद में ये साइड से मैच कर लेके शूट कर लेना, ठीक है ना। और आप शॉट देख सकते हो, मैं साइट एलिमिनेशन भी नहीं कर चुका हूँ, फिर भी आपको बुल्स आई पे आ रहा है यारों।